यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो कह सकते हैं कि आए दिन कोई ना कोई नई पहल योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाती है और अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल जो है वो की गई है। तो यूपी में इन्वेस्टर समिट का आगाज हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि कई उद्योगपति हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। इसी के साथ इसके समापन की अगर बात करें तो वो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। तो कई बड़े बड़े चेहरे, कई बड़ी हस्तियां इसमें शामिल हुई हैं, जिनमें से एक जियो नेटवर्क कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी इसमें शामिल थे और उन्होंने कहा है कि उन्हें काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा महसूस हो रहा है कि उन्हें इसमें प्रतिभागी बनाया गया है और अब वो भी यूपी के लिए यानी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर पाएंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाए, तो जियो नेटवर्क भी अब इसमें सहभागी बन गया है और अब मुकेश अंबानी का कहना है कि आने वाले जो तीन साल है उनमें जियो नेटवर्क को दूर दूर तक पहुंचाया जाएगा, यूपी के हर गांव में पहुंचाया जाएगा। इसी के साथ 1,00,000 युवाओं को जियो की ओर से रोजगार देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जियो नेटवर्क की अगर बात की जाए तो हर बार उसके दायरे को बढ़ाया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से सपना था उन्होंने बात की और अंबानी ने खुद ये बात बोली है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा कि क्या इस सपने को पूरा किया जाएगा तो मुकेश अंबानी का कहना था कि हाँ, इस सपने को जरूर पूरा करेंगे और हम सभी मिलकर इस सपने को शुरू कर चुके हैं और अब इस सपने को पूरा करने की कोशिशें उनकी ओर से की जाएंगी। साथ ही साथ 10,000 करोड़ तक के मुनाफे को कमाने की बात उनकी ओर से कही गई है, युवाओं को रोजगार देने की उनकी ओर से बात कही गई है। तो यूपी को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर उसकी दशा और दिशा बदलने का आगाज कर दिया गया है। समिट में कई उद्योगपति शामिल हुए, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना भाषण दिया जिसके बाद अन्य उद्योगपतियों ने भी अपना भाषण दिया और चाय पर चर्चा करना इसमें एक खास बात रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय पर चर्चा करने का विषय सबके सामने रखा जिसमें तमाम बड़े बड़े चेहरे जो हैं वो शामिल होंगे। तो कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर अब योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है पूरे जोरों शोरों से काम कर रही है और इसे लेकर इन्वेस्टर समिट का आगाज भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की है तो तमाम बड़े चेहरे यहां पर मौजूद रहे, जिसके साथ मुकेश अंबानी की ओर से पहल की गई है। उन्होंने खुद को कहा है कि वो काफी खुश है इस समिट में शामिल होकर, अब उन्हें मौका मिला है देश के लिए कुछ करने के लिए, यूपी यानी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ करने के लिए। तो अब जियो नेटवर्क को दूर दूर तक फैलाया जाएगा, साथ ही साथ हर गांव को उसके साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि जो कनेक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बनी रहे। तो उत्तर प्रदेश में ये जो पहल की गई है उत्तर प्रदेश के लिए, देखने वाली बात होगी कि अब उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो पीएम नरेंद्र मोदी का सपना है वो कब साकार होगा।